सो गया है यीशु। कार्यशाला में जो भी कुछ हुआ अभी तक आप उसी के बारे में सोच रहे हैं ना? मैं तो सब कुछ भूल जाना चाहता हूं मेरी, मगर क्या करूं, बार बार यीशु का वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता और जाकर भी मैं कुछ नहीं भूल पा रहा, कुछ नहीं। हर पिता अपने पुत्र का रक्षक होता है, मैं भी अपने यीशु को हर मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहता हूं, लेकिन हर बार मैं जानता हूं मेरी कि वो ईश्वर की संतान है और मैं मानता भी हूं कि हम केवल उसका ध्यान रखने के लिए है, पर इस दिल इस दिल का क्या करूं मेरी, जो यीशु को जरा सी पीड़ा में देखकर भी तड़प उठता है, टूट जाता है। कैसे समझाऊं अपने दिल को मेरी, कैसे समझाऊं? ये तो वही सितारा है ना जो बचपन में उसके पालने पर होता था, वही है ना? हाँ। और आपने खुद अपने हाथों से इसे बनाया था, और हमारा नन्हा सा यीशु इस सितारे को देखकर कितना खुश होता था ना? आइए यहाँ, आइए। मैं मानती हूं कि हमारा बेटा ईश्वर की संतान है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक आपने पिता होने का हर फर्ज निभाया है। आपकी उंगली पकड़कर हमारे यीशु ने चलना सीखा है, आपके गोद में बैठकर उसने खिलखिलाकर हंसना सीखा है, आपके कंधे पर सिर रखकर उसने सुकून की नींद ली है। और आप जानते हैं ना कि जब भी वो आपको सामने देखता है तो उसकी आंखें कैसे चमक उठती है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि हम सिर्फ ईश्वर के संतान का ख्याल रख रहे हैं, मत सोचिए ऐसा। ईश्वर ने हमें यीशु के माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है। आप देखना, इतने सारा संसार हमें सिर्फ इसलिए याद रखेगा कि हम यीशु के माता पिता थे। तुम सही कह रही हो मेरी, ईश्वर ने हमें यीशु के माता पिता बनाकर एक आम इंसान से कितना खास कर दिया। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा तोहफा इस दुनिया में तो नहीं मिल सकता। करो यीशु, हमें राह दिखाओ, बचाओ यीशु, यीशु।
यशु, यशु कुछ नहीं हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है। देखो माँ और मैं, हम दोनों तुम्हारे पास हैं। पता नहीं क्या हुआ माँ, बहुत सारे लोग मुझे पुकार रहे थे, सब लोग बहुत दुखी थे, रो रहे थे, वो लोग मुझसे मदद मांग रहे थे। वो इतने दुखी क्यों थे माँ? मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बस एक सपना था बेटा, और कुछ नहीं। हम यीशु का पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे प्रभु, लेकिन पता नहीं कि आपने उसके लिए क्या सोच रखा है। अभी बहुत छोटा है वो, रहम कीजिए ईश्वर, रहम कीजिए। सुनिए, यीशु कल रात को ठीक से सो नहीं पाया। मैं सोच रही थी कि उसे थोड़ा और सोने दो, उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जाकर रब्बी गुरुजी से कह देता हूँ कि यीशु पाठशाला जरा देरी से आएगा। मैं आप दोनों की चिंता को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ये बताने आया हूँ कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुरूप ही हो रहा है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने विश्वास को कायम रखना है। लेकिन कल यीशु ने जो सपना देखा, क्या मतलब है उसका? यीशु ने संसार का मसीहा बनने के लिए जन्म लिया है। मैं मानता हूँ कि अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन भविष्य का बीज उसके अंदर अंकुरित हो रहा है, और जब वो अंकुर फूटेगा तो यीशु आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दुखियारों की पुकार सुन सकेगा, और सबके दुखों को दूर करके वो पूरे संसार में प्रेम, शांति और करुणा का संदेश फैलाएगा। कल रात के स्वप्न से भी ईश्वर ने हमें उसी आने वाले कल का संकेत दिया है कि यीशु धीरे धीरे अपने लिए निर्धारित दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए सारी चिंताओं को छोड़कर हमें यीशु को अपनी राह बनाने देना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो यीशु का साथ देने के लिए उसका सहारा बन के खड़े रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अभी भी एक चिंता बहुत सता रही है। वो क्या? यीशु जब पाठशाला में निबंध पढ़ेगा और मेरी तारीफ सुनकर तुम्हें जो जलन होगी, तब क्या होगा? मेरे पिताजी लंबे हैं, उनके बड़े भाई का नाम जोसेफ है। पिताजी को सबसे ज्यादा नीला रंग पसंद है, और पिताजी कभी कभी मेरी चोटी भी बना देते हैं। बड़े भैया सही कहते हैं कि पिताजी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे और मेरी बहन आशिया को एक साथ अपनी गोदी में उठा लेते हैं। पिताजी अपने हिस्से की मिठाई भी मुझे दे देते हैं। बेटा निबंध अच्छे से याद कर लिया है ना? जी माँ। मैं जानती हूँ निबंध प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी तुम ही होगे। कोई फायदा नहीं है माँ, मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, पर तारीफ तो यीशु की ही होती है। हाँ, हो गया, चलो
आशी और छोटे ने तो सुना दिया, अब तुम भी तो सुनाओ कि तुमने क्या लिखा है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। पिताजी आप ये निबंध ना पाठशाला में सुन लीजिएगा। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, पाठशाला में सुनना ही सही रहेगा, वैसे भी देर हो रही है, चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो। अरे दिखाओ तो क्या लिखा है, हो सकता है निबंध को बेहतर बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं नहीं पिताजी, जो लिखा है ना वही ठीक है। ठीक है ना, आप भी क्या बच्चों की तरह। शाबाश। अरे नहीं, अरे आशिया मेरा निबंध, आशिया आशिया नहीं, आशिया मेरा निबंध, आशिया मैं गुरुजी से शिकायत कर दूंगा। संभाल के मत बचा रखी है, छोटे मेरा निबंध है आशिया से। बड़े भैया सही कह रहे हैं, उनका निबंध ले रो दीदी। आशिया अपने बड़े भाई का निबंध वापस करो। अरे भाई चिंता मत करो, निबंध में जो भी लिखा होगा तुम्हारे बारे में अच्छा ही लिखा होगा। रब्बी गुरुजी का सेवक यहाँ क्या कर रहा है, जरूर मुझे बुलाने भेजा होगा। तुरंत निकलना होगा नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, आपके यीशु से अच्छा थोड़ी ना लिखेगा। नहीं मेरा मतलब भाभी। जाने दीजिए ना भाई, वैसे यीशु है कहाँ? मैरी उसे नीमा के घर लेकर गई। लेकिन ये सब लिखना जरूरी है, मेरी मर्जी। हो गया। शिशु मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने मेरी आंखों की रोशनी आते ही कुछ देखा, कुछ बहुत अजूबा सा, अनदेखा सा। कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, सपने तो नींद में आते, पर मैंने तो खुली आंखों से देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे। मैं समझ गया। तुम समझ गए? हाँ, क्योंकि कल रात मैंने भी एक सपना देखा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने मुझे बताया कि जो होता है वो परमपिता परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। शिशु तुम इतने छोटे हो, पर हर बार तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। माफ करना बेटा, तुम्हें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी। मैंने नीमा से कहा था कि मैं लिख देती हूँ, पर वो। चाची मुझे नीमा की मदद करके बहुत खुशी मिली। अब चले, नहीं तो पाठशाला के लिए देर हो जाएगी। जी माँ। चलो माँ, आप पढ़कर बताइए कि मैंने पिताजी के ऊपर कैसे निबंध लिखा है। मेरे पिताजी के हाथों में जादू है, वो औजारों की मदद से बहुत सुंदर कुर्सी और मेज बनाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर पालने भी बनाते हैं, और जब भी वो हंसते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा है। उम्मीद है कि पिताजी और गुरुजी को ये पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा। अरे यीशु ने चाहे जो भी लिखा हो, परंतु मैं उसे विफल साबित करने वाला हूँ। और एक बात याद रखना, कभी कभी बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं इस यीशु को मजबूर कर दूंगा कि वो इस पाठशाला से बाहर निकल जाए।
लेकिन इस युद्ध को जीतने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, पर तारीफ तो यीशु की ही होती है। मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं गुरुजी, लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त? अरे ईश्वर यानी मैं यानी ईश्वर, फिर शर्त कैसी? ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहती हो। गुरुजी, आप यीशु को पाठशाला से बाहर निकालें, चाहे इस गांव से बाहर निकाल दें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस मेरा परिवार, यानी कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, उन पर किसी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए गुरुजी। एक बात और, यीशु के जाने के बाद पाठशाला का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी मेरा बड़ा बेटा होना चाहिए। ऐसा ही होगा। बस यीशु को इस निबंध प्रतियोगिता में अयोग्य साबित करने में मेरी मदद करो जी। गुरुजी, फिर तुम देखना ईश्वर तुम्हें कैसी नई राह दिखाएगा। सब बच्चे एक एक करके आगे आएंगे यहां पर और अपना निबंध सुनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले मनु तुम आओ। मेरे बाबा खिलौने बनाते हैं, उनसे अच्छा खिलौना कोई नहीं बना सकता। मेरे बाबा मेरे लिए शकरकंदी का हलवा भी बनाते हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा है। माता पिता को ताली बजाने की अनुमति नहीं है। अभी याकूब तुम आओ। मेरे पिताजी को मुझसे पंजा लड़ाना बहुत अच्छा लगता है। कभी मेरा हाथ ऐसे हो जाता है, कभी उनका, तो कभी हम दोनों के बीच में एकदम बराबरी की टक्कर होती है। ऐसे। चलो बैठो अपना पंजा लेकर उधर। चुप करो, चलो तुम आओ। मेरे पिताजी बहुत मेहनती है, लेकिन मेरी माँ उनसे भी ज्यादा मेहनती है। हाय मेरे बच्चा। वो घर का, हम भाई बहनों का और पिताजी का बहुत ख्याल रखती है। अब समझा कि तुम दोनों माँ बेटे मुझे निबंध की पर्ची क्यों नहीं दिखा रहे थे। गुरुजी। शाबाश, बैठो। अगला बच्चा। लड़कियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पर्ची वहां जमा कर दो। लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए पाबंदी क्यों गुरुजी? अगला बच्चा आओ। मुझे माफ करना यीशु, मुझे ये करना ही होगा। मेरी आंखें अभी लौटी है तो मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पाई। बस कुछ शब्द कहकर अपना गृह कार्य पूरा करने की अनुमति मिलेगी ना गुरुजी? तो पंक्तियों में अपनी बात कहो। मेरे पिताजी पाठशाला चलाते हैं, पर वे लड़कियों के पाठशाला में पढ़ने के पक्ष में नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ यीशु का, क्योंकि उसकी वजह से
मैं आशिया और गांव की और लड़कियां पाठशाला में पढ़ पा रही हूँ। धन्यवाद यीशु। इन दोनों लड़कियों की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। यीशु के साथ साथ इन दोनों को भी पाठशाला से बाहर करना होगा। क्यों हूँ यीशु, क्या लिखा है तुमने अपने पिताजी के बारे में?